गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स SGCCI द्वारा महिला रोजगार मेळानुं आयोजन करवामां आव्युं। कोरोना वायरसनी महामारी अने लॉकडाउनना लीधे नोकरी करीने घर चलावता लोकोनी हालत कफोड़ी बनी गई छे। सूरतमां घणी महिलाओए एवामां पोतानी रोजगारी पर गुमावी छे। આવી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળે અને મહિલાઓને રોજગારી મળે, મહિલાઓ પોતાના પગ પર ઊભા રહે અને પોતાનું ઘર ચલાવી શકે તે હેતુસર સુરતના ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા આજે સુરતના સરસાણા પ્લેટિનિયમ હોલ SICCમાં આજે 10-5 મહિલા રોજગાર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ રોજગાર મેળામાં સરકારની બધી જ ગાઈડલાઇન્સ જેમ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, સેનિટાઈઝર, માસ્ક બધાનું ધ્યાનમાં રાખીને આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મહિલા રોજગાર મેળામાં આશરે 800થી પણ વધારે મહિલાઓએ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન રજીસ્ટર કરાવી હતી અને 80થી પણ વધારે નોકરી આપનાર એમ્પ્લોયર્સ, ડિરેક્ટર્સ, કન્સલ્ટન્સીસ, મેનેજર ડિરેક્ટર્સ એ મહિલાઓનું લાઈવ ઇન્ટરવ્યૂ લીધું અને મહિલાઓને રોજગારી આપીને આત્મનિર્ભર બનવાનું કહ્યું હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ, ડેલી ઇન્ડિયા ટીવી, સુરત। का नाम? मेरा नाम है निखिल मद्रासी, सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैं ऑनररी सेक्रेटरी हूँ। सर, आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? आज यहाँ पर दी सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की लेडीज विंग की ओर से महिला रोजगार मेला का आयोजन किया है। आप देख रहे हैं कि प्लेटिनम हॉल में पूरे सरकार के नियमों के साथ रहकर हमने ये आयोजन किया है। कोरोना की परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए हमारा एक प्रयास है। बहुत लोगों ने नौकरी गंवाई है, बहुत लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो दोनों को इकट्ठा करने का हमारा ये जो प्रयास है, इसमें हमने काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। करीबन 800 एम्प्लॉई ने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन दर्ज करवाया है। पूरे दिन सुबह 10:15 से शाम को 5 बजे तक ये मेला चलेगा और करीबन 80 से ज़्यादा एम्प्लॉयर जो नौकरी देने के लिए तैयार हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया है। सभी का मैचिंग हो रहा है, सब लोग इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और इंटरव्यू के बाद शाम को हमें पता चलेगा कि कितनी बहनें यहाँ से नौकरी पाकर जाती हैं। ओके सर, आगे भी मेला करने का इरादा है? अब हम जो मेला करेंगे वो जनरल मेला होगा, वो 4,000 के करीब लोग इसमें आएंगे। गुजरात सरकार का एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है और हम अलग अलग एरिया में करेंगे, यानी कतारगाम सौराष्ट्र समाज के साथ करेंगे, वराछा में भी हम सौराष्ट्र समाज के साथ करेंगे। ऐसे प्रयास हमारे अविरत और निरंतर जारी रहेगा। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ये जवाबदारी है कि हम इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। इनके साथ साथ हमारी सामाजिक जवाबदारी भी है ताकि ये जो बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं या तो जो लोग अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, वो हमारे ट्रेडेड इंडस्ट्री के जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उसको हम लोग दोनों को मिला के एक अच्छा परिमाण प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। ओके सर। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम मानसी डोंगरे है। मैडम, यहाँ पे आज आप कौन सा जॉब दे रहे हो? हाँ, आज ये SGCCI की तरफ से जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है स्पेशली लेडीज़ के लिए, तो हम यहाँ पे लेडीज़ को जॉब देना चाहते हैं। टेली कॉलिंग में है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में है, मार्केटिंग में है, अकाउंट्स में है, हमारे पास काफ़ी सारी जॉब्स है और हमारा पर्पस यही है कि ये पेंडेमिक में जो लेडीज़ की जॉब गई है और जिनको अभी घर चलाने में तकलीफ हो रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स उनको प्रोवाइड करके, जो हम अभी बोल रहे कि आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जितने ज़्यादा हो सके उतने जॉब्स देने का कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को आप जॉब देंगे तो उसके साथ में आप कोई चार्ज लेते हो? नहीं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, जो जॉब देते हैं उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। ओके, और ये महिलाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे, मैसेज देंगे? हाँ, महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी यही टाइम है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको सिर्फ घर नहीं चलाना है लेकिन घर के साथ साथ खुद को भी आत्मनिर्भर बन के हमारी एक अच्छी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। सर, आपका नाम? मेरा नाम ऋतु कुमार द्विवेदी है, मैं बेस्ट बैंक जॉब से हूँ। सर, आप यहाँ पे सूरत की महिलाओं को कौन सा जॉब दे रहे हैं? एक्चुअली वी आर वर्किंग इन बेस्ट बैंक जॉब एंड वी आर द मीडिएटर बिटवीन द बैंक एंड द कैंडिडेट। आवर जॉब इज वी सोर्स एंड स्क्रीन द कैंडिडेट एंड वी आर प्लेसिंग देम टू इनटू प्राइवेट बैंक्स, लाइक वी आर वर्किंग फॉर द एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, MNC, लाइक वी आर वर्किंग फॉर द HDFC एंड सिटी। फॉर NBFCs वी आर वर्किंग फॉर द मुथूट फाइनेंस, इंडिया एंड फोर लाइन, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड श्रीराम फाइनेंस। ओके सर, सर मैसेज कोई देना चाहेंगे सूरत की महिलाओं को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर जो बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है, इफ़ यू आर हैविंग द नॉलेज अबाउट द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, यू कैन ग्रैब द जॉब, यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट्स बेस्ट सेक्टर फॉर द वुमेन्स। थैंक यू।